हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपा मेहता एंड वेलकम बैक टू द चैनल कोशर लर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन फॉर क्लास ट्वेल्थ। क्लास ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा बैंकिंग के बारे में, और बैंकिंग में ही एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग है या जो पूरा बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग चैनल्स हैं, इसको रेगुलेट कौन करता है भारत के अंदर, और साथ के साथ इसके ऊपर मॉनिटरिंग का और कंट्रोलिंग का काम कौन करता है। ठीक है, तो अगर बात करें हमारे यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम की, तो बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करने का, रेगुलेट करने का एंड कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका है, सेंट्रल बैंक का है। किसका है, सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक ही हमारे यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग चैनल्स हैं वो क्या करेंगे, काम करेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रल बैंक है कौन। द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक। कैसा बैंक है, अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक का मतलब क्या हो गया, जब बहुत सारे बैंक काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर बैठ के कौन काम कर रहा है, मतलब उन सारे बैंक्स को यहाँ पे मॉनिटर करने का काम कौन कर रहा है, तो वो कौन करता है, हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक करता है। तो सेंट्रल बैंक कैसा बैंक है, एक अपेक्स बैंक है जो कि कंट्रोल करता है, जो कि कंट्रोल करता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, जैसे मान के चलो कि हमारे यहाँ पे कुछ बैंक्स है, जैसे मान के चलते कि हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक एक बैंक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पे केनरा बैंक एक बैंक है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारे हमारे यहाँ पे बैंक है। तो ये इन सारे के सारे बैंक्स को जो कंट्रोल का काम है, जो मॉनिटर का काम है, जो सुपरविजन का काम है, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है सेंट्रल बैंक। और अगर हम बात करें कि भारत के सेंट्रल बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो ये है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई क्या है, आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि हमारे सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, मॉनिटर, कंट्रोल एंड सुपरवाइज करता है। ठीक है, इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी। इसने क्या बोला, ये एक इकलौती ऐसी एजेंसी है, इकलौती एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, नोट्स को इशू कर सकती है, और साथ के साथ हमारी इकॉनमी में, मतलब इंडियन इकॉनमी के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल कर सकती है। अब मनी की सप्लाई का मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो मनी की सप्लाई है वो यूजुअली किसके द्वारा करी जाती है, अगर हम यहाँ पे बात करें सप्लायर ऑफ मनी की, तो सप्लायर ऑफ मनी में यहाँ पे तीन संस्थाएं आती है जिनका क्या है, नाम लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है आरबीआई। आरबीआई को क्यों सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि आरबीआई क्या करती है, जितने भी हमारे नोट्स होती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, उन सबकी क्या करती है, प्रिंटिंग का काम करती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, सप्लायर ऑफ मनी बोला गया। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ पे जो दूसरा आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसका नाम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों बोला गया सप्लायर ऑफ मनी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक मिनिस्ट्री है, कौन सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये अथॉरिटी है कि वो जितने भी कॉइन्स हैं वो प्लस में 1 रुपी का नोट, इन सबकी क्या करेगा, प्रिंटिंग का काम करेगा। इसीलिए इसको क्या है, सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरे आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब आप सोचोगे कि कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नाम मेंशन किए गए, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारा हो गया कैनरा बैंक, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे क्या है, हमारे कमर्शियल बैंक है। अब आप सोचोगे कि जो कमर्शियल बैंक है वो ना तो नोट्स इशू करते हैं और ना ही कॉइन इशू करते हैं, तो इनको हमने सप्लायर ऑफ मनी क्यों बोला गया, इनको इसलिए बोला गया क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो अपने लिए क्या करते हैं, खुद से अपने लिए क्या करते हैं, डिपॉजिट को जनरेट करते हैं, और साथ के साथ उसमें क्या करते हैं, एडवांसेस देने का काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और बाद में उसे लोन के रूप में क्या है, आम जनता तक पहुंचाते हैं उस पैसे को। तो इसीलिए कमर्शियल बैंक को भी सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलो इस टॉपिक को आगे से वापस से समझते हैं। इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ नॉट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकॉनमी। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि साथ के साथ जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है। मतलब ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर के रूप में भी क्या कर रहा है, काम करता है। ठीक है, साथ के साथ ये हमारे यहाँ पे भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। मतलब हमारे यहाँ पे भारत में कितना पैसा बाहर से आ रहा है, चाहे वो डॉलर के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, और कितना पैसा भारत से बाहर जाता है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, साथ में अगर देखा जाए तो इसने बोला जो आरबीआई है उसी को भारत में क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। मतलब अगर बात करा जाए सेंट्रल बैंक की या बात करी जाए आरबीआई की, तो इसका मतलब हम दोनों क्या है, सेम
ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। यहाँ पे एक बार मोटा मोटा हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अपेक्स बैंक है, दूसरा ये क्या है, नोट इश्यू करने के लिए क्या है, सोल एजेंसी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये क्या है, भारत में मनी सप्लाई का काम कर सप्लाई ऑफ मनी को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज को क्या करती है, मैनेज करती है, ठीक है। ये क्या है, इतने सारे यहाँ पे काम करती है। ये तो हमने पढ़े इसके क्या, इसके मीनिंग के बारे में। अभी हमें क्या पढ़ना है, इसके फंक्शंस के बारे में, कि इसके फंक्शंस क्या, इसके रोल्स क्या हैं, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो भारत में किस तरीके से काम कर रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे इंडियन इकोनॉमी है, वैसे अलग अलग नेशन की अलग अलग इकोनॉमी है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक फंक्शन कर रही है सेम उनके वहाँ भी कर रही है। हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। क्या है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट। अभी हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कैसा राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है। कैसा राइट है, एक्सक्लूसिव, मतलब भारत के अंदर नोट्स को जारी करने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। इसीलिए इस राइट को या इस अथॉरिटी को क्या बोला जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोला जाता है। द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। ऑब्वियस है, इसने बोला कि जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो नोट्स इशू करे जाते हैं ना वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया, बैंक ऑफ इशूइंग नोट है, आगे समझते हैं। सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि क्या है, सेकेंड फंक्शन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जब भी क्लियरिंग हाउस फंक्शन की बात करी जाएगी तो इसका मतलब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं चेक्स की। किसकी बात करते हैं, चेक्स की। आई होप आप सारे लोगों को पता होगा कि चेक क्या होता है, ठीक है। चेक क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज करा जाता है 2% या 2 से ज़्यादा% के बीच में पेमेंट्स के लेन देन के लिए। सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। इसने क्या बोला, जो सेंट्रल बैंक है ये परफॉर्म करता है कैसा फंक्शन, क्लियरिंग हाउस का, मतलब ये क्या करता है, चेक्स को क्लियर करने का काम करता है। इट अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन बैंक एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। इसने बोला कि जो हमारा चेक है ये क्या है, ये अवॉइड करता है ट्रांसफर ऑफ कैश को बैंक्स के बीच में, और साथ ही क्या करता है, कैश की रिक्वायरमेंट को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। जैसे मान के चलो कि अगर ये कौन है, मिस्टर ए हैं और ये कौन है, मिस्टर बी हैं। अगर ए ने क्या करनी है, बी को पेमेंट करनी है, कितने की, 1 लाख की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो दो तरीके पेमेंट करने के, एक तो क्या करे, ए जाए किसके पास, बैंक के पास जाए, वहाँ से अपने 1 लाख को विड्रॉ करे, फिर वो उसको क्या करे, बी को कर दे, और बी वापस से क्या करे, अपने बैंक में जाके जमा कर दे। एक तरीका तो ये हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, सबसे पहले तो जो मिस्टर ए हैं इनका वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, इनको बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा उसके स्टोरेज की दिक्कत है, मतलब उसको कैरी करने की दिक्कत है। तीसरा उसके एम्बेजलमेंट में इश्यूज़ है, ठीक है, क्या पता उसके कैश की चोरी हो जाए इस तरीके से। और सेम इश्यूज़ क्या हैं, बी के साथ है। तो इसका मतलब जो कैश के ट्रांसफर में प्रॉब्लम तो है। अब दूसरा तरीका क्या है कि मिस्टर ए ने क्या करा, एक चेक लिखा बी के नाम पर, ठीक है, और उसको बी को दे दिया। अब बी के पास क्या है, ना तो ए को कैश कैरी करना पड़ा, ना तो बी को कैश कैरी करना पड़ा। इन्होंने क्या करा, इस चेक को सीधा मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब मिस्टर बी को जब भी इस पैसे की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे, इस चेक को अपने बैंक में लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक अच्छा मीडियम माना जाता है पेमेंट्स का, ठीक है। चलो समझते हैं कि क्या, सेकंड फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन है। आगे समझते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये एक अच्छा समझने वाला टॉपिक है, इसको समझते हैं कि क्या है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इसने क्या बोला, जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, बैंकर के रूप में भी काम कर रहा है, एजेंट के रूप में भी काम कर रहा है, और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी काम कर रहा है। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। मतलब हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए कई तरीके से उसको क्या करता है, हेल्प करता है, उनको बैंकर के रूप में उनको बेसिकली फैसिलिटेट करता है, एजेंट के रूप में करता है, और फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में करता है। अगर बात करें एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट की, तो कहता है कि ये मैनेज करता है अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको क्या करता है, मैनेज करता है ये, ठीक है। अगर हम बात करें एजेंट के रूप में, अगर हम बात करें एजेंट के रूप में, तो ये क्या करता है, बाय करता है,
सेल करते हैं सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब आपने देखा होगा टाइम टाइम पे जब भी गवर्नमेंट को क्या होता है कुछ पैसों की नीड होती है तो वो क्या करती है अपनी कुछ सिक्योरिटी मार्केट में सेल करना शुरू कर देती है, जिसके बदले में वो क्या करती है लोगों को कुछ इंटरेस्ट पे कर देती है। इससे होता क्या है जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपनी मतलब एक सेफ सिक्योरिटी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसमें क्या कर सकते हैं कुछ इनकम को अर्न कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या गवर्नमेंट खुद करती है? नहीं, वो सारा का सारा काम किसके थ्रू होता है? हमारे सेंट्रल बैंक के थ्रू होते हैं। तो अगर हम एजेंट के रूप में बात करें तो ये क्या करती है जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है उनको खरीदने और बेचने का काम करती है। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर हम बात करें एडवाइजर के रूप में, तो इसने बोला कि ये फ्रेम करती है पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मतलब हमारे यहाँ पे जो मनी मार्केट है उसको क्या करती है रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, जो भी हमारी क्या है मनी मार्केट है उसको क्या करती है रेगुलेट करने का काम करती है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे मनी का फ्लो होना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके क्या है इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये क्या है बैंकर टू द गवर्नमेंट हुआ। अपना नेक्स्ट फंक्शन समझते हैं कि क्या है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। क्या बोला? बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। एज ए बैंकर्स बैंक इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक इन द कंट्री एज द कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर। थ्री ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड। इसने बोला अगर हम बैंकर्स बैंक की बात करें ना तो कहते हैं इसका अपने कमर्शियल बैंक्स के साथ सेम रिलेशन होता है जो कि कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बैंक का नाम लिखा, मान के चलो पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का एक कस्टमर है जिनका नाम क्या है ए। पंजाब नेशनल बैंक ए को क्या क्या सर्विस देंगे? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, लोन देने का काम करेंगे, मतलब वही एडवांस, ठीक है, लोन देने का काम करेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे मान लो डेबिट कार्ड इशू करना, क्रेडिट कार्ड इशू करना, ठीक है, इनके बिहाफ पे पे ऑर्डर्स बनाना, डीडी बनाना, इनके अकाउंट ओपन करना। ठीक है, ये सारे के सारे काम भी क्या करेगा जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर के लिए करेगा। लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक के लिए सारे फंक्शन नहीं करता, इसमें से ज़्यादातर करेगा लेकिन ये सारे नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज़ करा गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो एज अ बैंकर्स बैंक इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज विद इट्स कस्टमर। इस लाइन से कभी भी ये नहीं समझना कि वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, नहीं, मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। सबसे पहले तो इसने क्या बोला, जो सेंट्रल बैंक है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और साथ के साथ क्या करता है लोन देने का भी काम करता है। तो एक तो ये समझा हमने। आगे कहते हैं सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। इसने बोला जो कमर्शियल बैंक है क्या कमर्शियल बैंक चेक को खुद से क्लियर करते हैं? नहीं, तो ये चेक की जो क्लियरेंस है वो होती कहाँ से? वो होती हमारे सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो सेकंड हमारा हो गया कि सेंट्रल बैंक क्या करता है प्रोवाइड करते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को टू द कमर्शियल बैंक। थर्ड कहते हैं इन इट सुपरवाइजरी रोल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक के लिए सुपरविजन का काम करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करता है और मॉनिटरिंग का काम करता है। ठीक है, तो कहता है सुपरवाइजरी रोल की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल बैंक है वो इंश्योर करते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो सारे के सारे अपने कंप्लाइंस की फुलफिल करे। अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसे में वो क्या करते हैं उसको पेनल्टी लगाती है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं कमर्शियल बैंक को पेनल्टी लगाते हैं जिससे कि वो आगे आने वाले समय में अपने कंप्लाइंस की फुलफिल करे। अगर वो कंप्लाइंस को फुलफिल नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि उसके जो कस्टमर है बैंक के उसके साथ क्या हो कुछ फ्रॉड होने के चांसेस हों। तो इसीलिए वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम इस चीज़ को इंश्योर करती रहते हैं कि क्या सारे बैंक्स अपने कंप्लाइंस को फुलफिल करते हैं या नहीं करते। ठीक है, स्पेशली इसने क्या बोला कि यहाँ पे CRR एंड SLR को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे जो रिजर्व है ये बेसिकली कस्टमर की प्रोडक्शन के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि किसी भी समय पे जो कस्टमर है उसको सफ़र ना करना पड़े। आई होप चीज़ समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में समझते हैं कि क्या है। कहते हैं इट मीन्स दैट इफ़ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनी वेयर ये अप्रोच कर सकता है सेंट्रल बैंक को एज अ लास्ट रिजॉर्ट। मान लो कि SBI को क्या करना है, SBI है
SBI के पास एक कस्टमर आता है जिसको क्या है 100 रुपीज़ का लोन चाहिए, क्या चाहिए 100 रुपीज़ का लोन चाहिए, पर अभी दिक्कत क्या है कि SBI के पास इतना पैसा ही नहीं है। SBI के पास सिर्फ कितना है 80 रुपीज़ है जो कि वो क्या कर सकते हैं इस कस्टमर को लोन के रूप में दे सकती है। बट कस्टमर को कितना चाहिए, कस्टमर को चाहिए 100 रुपीज़, ये मिस्टर ए हैं, कस्टमर को कितना चाहिए 100 रुपीज़। तो ऐसे में SBI क्या करेगी, अपने इस कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये सेंट्रल बैंक को अप्रोच कर सकती है कि आप एक काम करो मेरे को 20 रुपीज़ और दो, आप क्या करो मेरे को 20 रुपीज़ और दो, जिससे कि मैं क्या करूँ इसको 100 रुपीज़ एज अ लोन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कमर्शियल बैंक है उनके लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में भी काम करता है। अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलता तो वो क्या कर सकता है सेंट्रल बैंक से लोन के रूप में पैसे को ले सकता है। बाय ऑफरिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, जो सेंट्रल बैंक है वो दो चीज़ों को इंश्योर करती है। सबसे पहली चीज़ इसने जो बोला कि जो कमर्शियल बैंक है वो किसी भी तरीके के सेटबैक को सफ़र ना करे, क्योंकि अगर बात करी जाए बैंकिंग सिस्टम की तो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जो बैंकिंग चैनल है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो उसकी बैकबोन के रूप में काम कर रहे हैं। और अगर बैंक ही सफ़र करेगा तो ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो RBI है वो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को करके उनके क्या है बेसिकली उनकी एग्जिस्टेंस को क्या कर सकते हैं करते हैं मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो मनी मार्केट है वो हमेशा कैसी रहे स्टेबल रहे, मतलब जो मनी मार्केट है उसमें क्या है किसी भी तरीके का डाउनफॉल ना देखना पड़े, इस चीज़ को भी क्या करती है हमारी RBI इंश्योर करके चलती है। ठीक है, आगे कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कहते हैं सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसी समय पे हमने पढ़ा कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या है कस्टोडियन के रूप में है किस चीज़ का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। मतलब हमारे यहाँ पे कितना पैसा यहाँ से बाहर जाएगा, कितना पैसा बाहर से यहाँ पर आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में उन सब का जो लेखा जोखा है या उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो किसके पास है, वो RBI के पास है। किसके पास है, RBI के पास है। मतलब जितना भी डॉलर बाहर से आया, ठीक है, ये किसी भी रूप में नॉट डॉलर, किसी भी रूप में जो आया ये कितना रुपी जो है वो यहाँ से बाहर जा रहा है, इन सब चीज़ का लेखा जोखा जो है वो कौन करती है, वो करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। साथ के साथ इसने क्या बोला कि ये क्या करते हैं हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रुपी है वो बाकी सारी करेंसीज के रूप में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उन सबकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास रहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहती है। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हमें समझने वाला है। ठीक है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, एक अच्छा टॉपिक है समझने वाला। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना एक चैप्टर पढ़ा होगा, आई गेस नाम क्या है उसका, मनी, ठीक है, मनी या बैंकिंग के अंदर इस टॉपिक को कवर किया गया है, जहाँ पर हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ क्रेडिट है उसको किस तरीके से क्या है कंट्रोल किया जाता है। तो इट एम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ मनी है ना उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। वो कैसे उसको करती है, तो उसके लिए वो दो तरीके के मेजर्स को अपनाती है, एक होती है क्वालिटेटिव मेजर्स, और एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव मेजर्स और एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर्स, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारे जो क्वालिटेटिव मेजर्स है इसमें क्या होता है क्रेडिट राशनिंग हो गया, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया, उसके बाद मोरल सोसिएशन हो गया। अगर हम क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करें तो CRR को मेंटेन करना, SLR को मेंटेन करना, ये सारे का सारा किसके अंदर आता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर आता है। तो जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये क्या करती है, इन दो मेजर्स का इस्तेमाल करके हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से ना तो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन की सिचुएशन आए और ना ही बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन की सिचुएशन आए। ठीक है, तो ये क्या करती है, सेंट्रल बैंक एक और काम को परफॉर्म करती है। ये इसके मेन फंक्शन थे जो हमें क्या है बेसिकली पढ़ने थे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, एक बार फटाफट इसका क्या करते हैं हम एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है,
चलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था किसके बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक के बारे में, जिसमें हमने क्या समझा था कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो एक एपेक्स बैंक है जो कि भारत के अंदर या इंडियन इकोनॉमी के अंदर पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल का काम करता है। इसके बाद हमने समझा था कि ये क्या है, एक सिंगल ऐसी एजेंसी है जिसके पास पावर है कि वो नोट्स को इशू कर सकती है। इसके बाद हमने समझा था ये बैंकर टू द गवर्नमेंट है और साथ के साथ क्या करते हैं, फॉरेक्स को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अगर हम भारत के अंदर सेंट्रल बैंक की बात करें तो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ का सेंट्रल बैंक है। इसके बाद हमने इसके फंक्शंस की अगर हमने बात करें तो हमने सबसे पहला फंक्शन पढ़ा था कि ये क्या है, बैंक क्या करता है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट है, मतलब नोट्स इशू करने का इसके पास क्या है, पावर है। इसके बाद हमने सेकंड क्या समझा था कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन को परफॉर्म करती है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के चेक होते हैं उनके बीच में क्या करती है, एक बैंक के चेक को कैसे क्लियर करना है, दूसरे बैंक के चेक को कैसे क्लियर करना है, इस सारे के सारे सिस्टम को क्या करती है, मैनेज करती है। ठीक है, इसके बाद बैंकर टू द गवर्नमेंट है। बैंकर टू द गवर्नमेंट में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमने बात करा था कि अगर हम गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट की बात करें तो ये इसके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखता है, अगर हम एजेंट के रूप में बात करें तो ये क्या करता है, बाय करता है, सेल करता है किस चीज़ को, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को। और अगर हम बात करें एडवाइज़र के तो इसने क्या बोला, ये टाइम टू टाइम क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाता है जिससे मार्केट में मनी मार्केट को क्या है, कंट्रोल किया जा सके। अगर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल की बात करें तो हमने इसमें एक चीज़ समझी थी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनका अपने कस्टमर के साथ जो रिलेशन होता है, सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बीच में देखने को मिलता है, हालांकि वो सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है। जिसमें मेन हमारे फंक्शन कौन कौन से, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ये कमर्शियल बैंक से, उनको लोन देने का काम करता है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी को परफॉर्म करते हैं, और साथ के साथ इसने क्या बोला, टाइम टू टाइम कंप्लायंस बैक परफॉर्म कर रही है, कंप्लायंस फुलफिल कर रही है या नहीं इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, मतलब अगर कहीं से कमर्शियल बैंक को पैसा नहीं मिलता तो वो क्या करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेके आगे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब अगर इसने क्या बोला कि भारत में कहीं से भी पैसा आएगा या जाएगा उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास रहती है, वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहती है। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस भी उन्हीं के पास ही है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट की बात करें तो जो इसका मेन फंक्शन है वो यही है, ये क्या करती है, भारत के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है बाय ऑप्टिंग टू मेन मेजर्स, फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव मेजर, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, अच्छा ये क्वालिटेटिव मेजर एंड क्वांटिटेटिव मेजर की एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, वहाँ पे देखना है हमें कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये टॉपिक एंड होता है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।